हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है आपका शिक्षा स्किल हब में। और जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। और ये पंक्चुएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे कि हिंदी में अपना विराम चिन्ह का लगाना होता है, क्योंकि अगर आप पंक्चुएशन को सीख जाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इंग्लिश ग्रामर के जो सेंटेंस होते हैं उनको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा या कोट्स लगाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये चीज़ लिखने में काम आती है। हाँ, बोलने में कई बार ये चीज़ें आपके काम बिल्कुल नहीं आती है या बहुत कम काम आएगी, क्योंकि बोलने में तो आप अपने हिसाब से बोलते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो लिखते वक्त, अब ये तो आप बोल रहे हो तो उस वक्त आप बोल रहे हो, तो लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हो तो उसके बाद उसको कितने पर्सन पढ़ेंगे, और जब भी कोई उसको रीड करेगा तो उसको अपने हिसाब से रीड करेगा, और जब उसको अपने हिसाब से वो पढ़ेगा तो उस हिसाब से आपने जो उस पर किसी तरीके का कॉमा लगा रखा होगा, किसी तरीके का फुल स्टॉप लगा रखा होगा, तो उस हिसाब से उसको सेंटेंस का मीनिंग पता लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर कि पंक्चुएशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन, और आपने अपनी नोटबुक तो रखी ली होगी अपने पास, जिसमें कि आप इनको अब क्या करोगे, इनको आप नोट्स करना शुरू कर दोगे वीडियो को पॉज करके। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द पंक्चुएशन सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटन लैंग्वेज एज वेल एज द ड्यूरिंग रीडिंग। रीडिंग के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा पता इसके बारे में पता लगता है। पंक्चुएशन मार्क्स आर डिफरेंट साइंस स्टॉप यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग और सेपरेटिंग सेंटेंस और वर्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पंक्चुएशन का। अगर आप इनका यूज करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सेंटेंस को समझा सकते हो किसी को भी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आपको कुछ बता दी एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कुछ पिक्चर के साथ ताकि आपको इजी। देखिए यहाँ पे है कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, शॉर्ट पी, कोट्स, डबल कोट्स, हाइफन, डैश, स्ट्रोक, ठीक है, ये आगे पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एलिप्स और एस्ट्रिक्स। तो बाकी ये जो चीज़ें तीन डॉट आते हैं इसकी आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट की भी शायद इतनी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी। जो आपका मेन आपका आता है वो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो चीज़ें आपकी मेनली यूज़ होते हैं, हाइफन, डैश, ठीक है। ये भी कई बार आपका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, पॉइंट इतने ज़्यादा आपके यूज़ नहीं होते हैं जब आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी जो होती है, ये चीज़ें आपकी जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। तो चलिए हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट आपको दे दिए गए हैं थार में, ये भी पिक्चर में आपको बता दिया गया ताकि आपको और आसानी समझ में आ सके कि पीरियड किसे कहते हैं जिसको हम फुल स्टॉप, यूज़ द पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड, ठीक है, तो हम एंड वाले में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क तो पता लग गया, जब हमें क्वेश्चन पूछा है, कोटेशन मतलब यूज़ कोटेशन मार्क फॉर डायरेक्ट कोटेशन, जब डायरेक्ट कोटेशन करते हैं। एपोस्ट्रोफी में हम क्या यूज़ एन, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, इंडिकेट, और कॉमा, ये कॉमा आपने देखा होगा, कॉमा तो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, हाइफन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास कोई, अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसके ऊपर हल्का सा विश्वास ना हो या अचानक निकले बात, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेमी कॉलन, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पैंथिसिस, तो ये होता है हमारा राउंड ब्रैकेट जिसको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो को भी आपने पॉज कर लेना, और इनकी जो डेफिनेशन है नीचे लिखी गई है, ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेनी है, और इनका यूज़ आप कभी ना कभी अपने ग्रामर में तो यूज़ करते ही करते हो, और आपने बहुत बार इनको यूज़ किया होगा, लेकिन इनको कहते क्या हैं या हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, ये कई बार आपको डाउट रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लगभग लगभग 12 आपको बताए गए हैं, देखिए 12 आपको पॉइंट बता दिए गए हैं, और ये पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन है साथ में, इनके साथ इसके सिंबल भी दिए गए हैं, इंट्रोगेशन, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वाला हो गया इस तरीके से, अपोस्ट्रोफी हो गया, ठीक है, कोटेशन के लिए आपका यूज़ हो रहा है, डैश आपका यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट, हाइफन और कैपिटल है। तो पता ही है आपको कि जब भी आप किसी सेंटेंस का यूज़ शुरू करते हो उसको, तो उसको आप कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हो। तो ये 12 हैं आपके, ठीक है, लेकिन बाकी इसमें से कुछ 780 होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो ये देखिए अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी गई है। तो पहला है
फुल स्टॉप, जहाँ पर कि पूरा स्टॉप लग जाएगा। जैसे कि मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया था, तो टुडे आई हैड अ गुड फूड, तो यहाँ पे क्या लग गया, फुल स्टॉप। कॉमा ये किसके लिए यूज़ होता है, टू सिमिलर क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए, सिमिलर सब्सटेंस। जैसे इट यूज जस्ट लाइक इट्स इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि आपने 19 के आगे कॉमा लगा के, सितंबर लगा के कॉमा लगा के और 1956 लगा दिया। या अब राकेश अपनी सारी संपत्ति, भूमि और मान मर्यादा खो गया, तो देखिए राकेश हैड लॉस्ट ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी कॉमा लैंड, ठीक है, एंड रेपुटेशन। द चाइल्ड कॉमा हु वाज यस्टरडे क्राइंग कॉमा इज स्माइलिंग टुडे, ठीक है। तो वो बच्चा जो कल रो रहा था आज हंस रहा है। सेमी कॉलन, दिस पंक्चुएशन मार्क यूज विद सटेज कंपाउंड एंड मिक्स सेंटेंसेस आर द अपोजिट नेचर, जो अपोजिट नेचर के होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मांगे चलते हैं, वो मुझे बहुत मानता भी है कॉमा, जैसे हम सेमी कॉलन कहेंगे, और वो मेरी बुराई भी करता है, तो ही रिस्पेक्ट मी अ लॉट, ही से आल्सो बैड अबाउट, मतलब उन्हें सेंटेंस तो एक ही बात कर रहा है लेकिन इस दोनों को अपोजिट में बात हो रही है, तो इसको अपोजिट को सेपरेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, सेमी कॉलन का। और कॉमा किसके लिए यूज करते हो, सेम उसके लिए, जो आपकी सेम हो लेकिन उसको कॉमा डाल के आप इनको सेपरेट कर रहे होते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क किसके लिए, आस और अ डाउट इन सोन, जब आप यहाँ पे डाउट दिखा रहे हो, एग्जाम्पल क्या मेरे साथ चलेंगे, तो देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, डाउट भी है, क्या जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, वुड यू गो विथ मी, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर अगला आता है, ठीक है, जहाँ पर हम कोई ऐसा सेंटेंस की बात करते हैं जहाँ पर कि हम क्या यूज कर रहे हो, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, ठीक है, इस तरीके का हम कुछ एड्रेस कर रहे हो। जैसे कि अरे तुम कब आए, हे When did you come? सुशील इधर आओ, तो देखो सुशील इधर आओ, कह रहे हैं सुशील रुके और इधर आओ, सुशील कम हेयर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि हैप्पीनेस है, एंगर है, सरप्राइज है, तो उन पे हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो ये देखिए इनके ना आपको एक्सप्लेनेशन के भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आप इनका यूज़ करोगे। सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या आता है, आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इन सेंटेंस के जो यहाँ पे सिंबल लगेगा, इन सिंबल का मीनिंग क्या है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको अपने हिसाब से वहाँ पर लगाना होता है। फिर आता है डैश, ये मार्क इज यूज आफ्टर समथिंग इन स्पोकन, रिटर्न और टू रिप्रेजेंट अ पॉज, जब वहाँ पे आप हल्का सा पॉज लेते हो अपनी बातचीत में, तब हम इसका यूज़ करते हैं डैश का। जैसे कि तुम हिंदी पढ़ते भी हो या नहीं, तो यहाँ पे लिखा रमेश तुम हिंदी पढ़ते भी हो या नहीं, देखो तो रमेश के बाद आइए, तो रमेश के बाद हमने लगाया पॉइंट डैश और उसके बाद सेंटेंस यूज हो गया। मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, यहाँ पे हमने पॉज किया, उसके बाद धन दौलत सुख यश आदि, तो इसको आप बोलते हुए भी ऐसा करते हो और साथ ही साथ आप लिखते टाइम भी इसका यूज करते हो और इसी को हम बोलते हैं डैश। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आ गया हाइफन, तो द पंचुएशन मार्क यूज व्हेन देयर इज कपड़े विद लाइक और इन अपोजिट वर्ड होते हैं ये। जैसे हाथी सा मोटा, देखिए उसने कहा हाथी सा मोटा, तो आप क्या कहोगे, फैट लाइक एन एलिफेंट, कभी कभी, तो सम टाइम, तो इनमें आप ज़्यादा लाइक और इन अपोजिट वर्ड्स पेयर में इनको हम यूज़ करते हैं, कभी कभी इस तरीके। तो इस जब हमने इनको सेपरेट करना है, ठीक है, तो इसमें हम हाइफन लगा देते हैं। कोटेशन, कोई इंपॉर्टेंट बात को, क्यों समझिएगा, कोड जो होते हैं हमने देखे होंगे कोड्स, तो उसको पर्टिकुलर पार्ट के लिए रिप्रेजेंट, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा, ये मेन वो होते हैं जब किसी ऐसे पर्सन जो हिस्टोरिकल पर्सन हो काफ़ी ज़्यादा, जिसको लोग मानते भी हो, जानते भी हो, ठीक है, जितने हिस्ट्री में कुछ किया हो, इतिहास में कुछ किया हो, तो उन वो जब कोई चीज बात को कहते थे, तो उनकी बात को कहते टाइम हम इसको क्या करते हैं, इसको कोटेशन में लगा, जैसे कि सत्य ईश्वर है, किन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, तो महात्मा गांधी सैड ट्रूथ इज गॉड, ठीक है। वैसे आप इसको नरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसको हम रिपोर्ट स्पीच भी कहते हैं कई बार। अब अगला आ गया फ्लोइंग, दिस पंचुएशन मार्क इज यूज फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, जैसे कि संज्ञा के तीन भेद है, जैसे आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद हम इनके भेद बताने शुरू कर देंगे। नाउन इज ऑफ थ्री मेन टाइप्स लाइक, उसके बाद हमने इसको दे दिया, ठीक है, साइन ऑफ फ्लोइंग, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम उसके पार्ट टाइप्स बताने वाले हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैपिटल लेटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल लेटर है, वी यूज कैपिटल लेटर इन द फ्लोइंग केसेस, कब कब, जब टू बिगेन, जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो या फॉर प्रॉपर नाउन हो, तब हम इसका यूज करते हैं कैपिटल लेटर का। तो इस तरीके से आपने
देखा कि जो हमारी पंक्चुएशन होती है वो बहुत ही आसान होती है, और इसके कुछ हमारे मेन मेन टाइप्स होते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो हमने आपको बताए हैं यही आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। और अगर इसके अलावा आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होगी या हेल्प बुक होगी, वहाँ से आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप 2-3 बार रिपीट करके देखिए, अपने नोटबुक में लिखिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाए। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो अपने टीचर से इसके बारे में आप और ज़्यादा पूछ सकते हैं। और आखिर में यही कहना चाहेंगे इस लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।